जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। आपका भाई एकदम ज़बरदस्त शानदार। यार कुछ टाइम लग गया लेकिन आपका भाई फिर हाज़िर हो गया। खैर तो आज के टॉपिक से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड प्राइस रेंजेस। यहाँ पे एक मिनट के लिए अगर ज़रा आप थोड़ी सी ज़हमत करें और वीडियो को पॉज कर दें और ऑब्ज़र्व करें कि आप अपने चार्ट में क्या देख रहे हैं। आपकी आंखों के सामने ये जो चार्ट डिस्प्लेड है। यस आई नो बहुत से लोगों ने तो वीडियो को पॉज ही नहीं किया। खैर क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं कि यहाँ पे काम की बात क्या थी। ये हम अगली स्लाइड में मूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप मेरे माउस की कर्सर को देखें काइंडली, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्लू लाइन के अंदर हाई एंड ऑफ डैट रेंज, और यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है लो एंड ऑफ द रेंज। अब ये एक रेंज है जिसको मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे मैंने एरो से हाईलाइट करके लिख दिया हुआ है कंसोलिडेशन। अगर गौर फरमाएं सेल साइड बाय साइड, सेल साइड बाय साइड, सेल साइड बाय साइड, यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड और बाय साइड बोथ साइड्स की लिक्विडिटी को डिलीवर किया, ऑफर किया। मतलब क्या कि सेल की कैंडल पास हुई तो बाय की कैंडल, सेल की कैंडल पास हुई तो बाय की कैंडल। अब भैया जब भी आपके पास इस तरह की कोई रेंज फॉर्म हो जाए जहाँ पे मार्केट बोथ साइड्स की डिलीवरी दे दे, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे फिर भाई और बहन वो टाइम फ्रेम हो 4 आवर का, यू डोंट नीड टू लुक बैक। जब मार्केट इसको लीव कर दे, ये चीज़ बैलेंस प्राइस रेंज कहलाएगी। अब ये बैलेंस प्राइस रेंजेस कहाँ फॉर्म होती हैं, क्यों फॉर्म होती हैं और इनको आप यूटिलाइज़ किस तरह करते हैं, ये पार्ट रहेगा मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप के लिए। 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत डिटेल में हैं और वो मैं अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप में एवरी सिंगल डे दे रहा होता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या, सिंपली आपकी स्क्रीन पर यह मेरा नंबर आ रहा है, इसको नोट कर लो और मुझे DM कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कर लो तो अच्छा है। खैर अगर मॉन्स्टर बनना चाहते हो ट्रेडिंग में तो आई थिंक यू मस्ट हैव टू चेक इट आउट। लॉसेस में हो डोंट वरी, डोंट नीड टू थिंक अगेन अगेन एंड अगेन। तुम कर सकते हो, बस तुम थोड़े से फेयरफुल हो, और फिर का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बार बार उन चीज़ों को करना जिनसे आप डरते हो, आपका फिर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो यार थम्स अप कर दो, इसमें कौन से पैसे लगने हैं भाई, और चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में या फिर प्राइवेट मेंटरशिप में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी चलता हूँ यार, मुझे भी मेरी अम्मी बुला रही है। अरे भाई आ रहा हूँ मैं भी।